हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबर में। मेरा नाम है भीमा चित्रा। ये पहली खबर ये रही आपकी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बिहार में जब से शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है तब से घमासान कुछ नई नई अपडेट बनी हुई है। हालांकि शिक्षक भर्ती एक जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, दूसरी शिक्षक भर्ती की वहाँ पर अप्लाई चल रही है। और आपको बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई अधिसूचना। बिहार में 75% आरक्षण लागू करने को लेकर मामला गर्म हुआ है। और आपको बता दें, हिंदुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट है पटना से कि बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया। विधेयक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और आलेरकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरक्षण के प्रावधान तत्काल लागू करेंगे और इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में भी जो आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है, यह जो है 50 से 65% पहुंच गया है। और वहीं पर जो अनारक्षित वर्ग के 35% कोटे में 10% समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षित वर्ग को जो है यहां पर आरक्षण दिया गया है। ये आपका कुछ ये बदलाव हुआ है, ये दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। एससी के लिए पहले 16 था, 20 हो गया। एसटी के लिए 1 था, 2 हो गया। और एबीसी के लिए 18 था, 25 हो गया। और बीसी के लिए 12 था, 18 हो गया। तो ये चेंजेस हुए हैं, आप देख सकते हैं। 60 से बढ़कर 75% आरक्षण कर दिया गया है और महिलाओं को 35% जो है वो 36 आरक्षण देने का बात यहाँ पर किया जा रहा है। 36 आरक्षण क्या है ये जानते हैं इस वीडियो में। आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्ग या समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरी में नामांकन से पहले या फिर लागू 35% आरक्षण की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको मिलने वाले आरक्षण की यह सुविधा जारी रहेगी। आरक्षण संबंधित नया अधिनियम में इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया है, ये यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट में बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर ये रही आपकी स्क्रीन पर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट ने जताई नाराजगी की। मैंने इतनी बार कहा फिर भी आप मेरी बातों का अवहेलना कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कोर्ट का कहना है। और उन्होंने 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है, इनके जवाब देने का आदेश दिया है। तो जैसे ही जो आदेश आता है वो हम आपको समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे। सूबे में 60 हेडमास्टर की नियुक्ति होगी, यानी कि 6060 हेडमास्टरों की नियुक्ति होगी। राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6060 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग में इसकी अधिसूचना सामान्य जो प्रशासन है विभाग को मंगलवार को भेज दी है। जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार के कई जगहों पर जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और ये रही आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रमुख खबरें। डेंटल सर्जन भर्ती का इंटरव्यू जल्द ही शुरू होगा, जिसमें 174 पदों पर होनी भर्ती है। और जल्द ही शुरू होगा इसका प्रवेश पत्र, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और ये कुछ प्रमुख खबरें आपकी स्क्रीन पर ये दिख रही हैं, जिसमें भारतीय नौसेना के 275 अप्रेंटिस पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां से इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में भी भर्ती निकली है, सो अगर आप यहां पर भी आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।